बच्चों अक्सर हम लोग ये रट लेते हैं जब भी वे ऑप्टिक्स का चैप्टर पढ़ते हैं कि एक ही सोर्स से कोहेरेंट सोर्स मिलता है और फिर उसी से इंटरफेरेंस होता है, लेकिन इसके पीछे का इंटरेस्टिंग फैक्ट हम सब शायद भूल जाते हैं। आइए मैं आज आपको फील कराता हूं। जैसे मैं आपको कहूं कि एक आपके पास में 10 वॉट की रेड बल्ब है और दूसरा भी आपके पास में 10 वॉट का रेड बल्ब है। अब आप बोलेंगे सर दोनों में फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन बच्चों वास्तव में दोनों में फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। ऐसा क्यों? तो जरा डीप डाइव करते हैं। वास्तव में ये जो फ्रीक्वेंसी का खेल होता है वो ऑर्बिट में रहे हुए इलेक्ट्रॉन का जंप के कारण मिलता है। ऑर्बिट में रहे हुए इलेक्ट्रॉन का किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जब जंप होता है तब मिलता है फ्रीक्वेंसी। अब अगर मैंने 10 वॉट का रेड बल्ब और दूसरा 10 वॉट का रेड बल्ब ले लिया तो इतना तो हमें पता है कि कलर रेड ही आ रहा है, फ्रीक्वेंसी रेड ही है, लेकिन किस इलेक्ट्रॉन के कौन से ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप मारने पर मिला है ये हम नहीं कह सकते। इसीलिए हमेशा एक ही सोर्स से दो आपके कोहेरेंट सोर्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने सेम इंटेंसिटी का दो अलग अलग सोर्स ले लिया तो वो कभी भी कोहेरेंट सोर्स नहीं माने जाते। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, तो जल्दी से वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि ऐसे कौन से फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको तकलीफ दे रहे हैं और आप वो जानना चाहते हैं। उस पर हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। मजा आया बच्चों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।